नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता। और दोस्तों आज अपन देखेंगे वैदिक सभ्यता का वीडियो नंबर 2 यानी पोर्शन नंबर 2। दोस्तों इससे पहले अपन वैदिक सभ्यता का एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता में उस समय समाज किस प्रकार से दिखाई देता था। नेक्स्ट लगे हाथ अगर आपको ये पता हो तो मैंने ये तक बताया था कि वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था यानी टाइमिंग था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया था। नेक्स्ट तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है जो दोस्तों जस्ट पिछले वाले वीडियो में वैदिक सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता का जो ड्यूरेशन माना गया है, जो टाइमिंग माना गया है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और दोस्तों यहां तक कि मैंने अपने वीडियो में यह भी बताया है कि ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, देन ईसवी हमेशा सुलटी चलती है। तो ईसा पूर्व कभी ये मत सोचना कि 1500 के बाद में 1600 आता है, ईसा पूर्व हमेशा उल्टा आता है। 1500 के बाद में 1400, 1400 के बाद में 1300, 1300 के बाद में 1200 और 1200 के बाद में 1000 आता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता कब से कब तक चली, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये चली है, ना कि ईसवी में चली, ईसा पूर्व में चली। लगे हाथ पहले वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि वैदिक सभ्यता दो भागों में डिवाइड की गई है, एक का नाम है ऋग्वेदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता, दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों आज अपन वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं और वीडियो नंबर 2 में अपन देखेंगे ऋग्वेद, क्योंकि वैदिक सभ्यता में ओनली फॉर ऋग्वेद को गिना गया है। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद ये उत्तर वैदिक सभ्यता में माने गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है ये ऋग्वेद क्या है। तो दोस्तों आज अपन वीडियो नंबर 2 में देख रहे हैं ऋग्वेद। इससे पहले वाला वीडियो कंपलसरी देखना दोस्तों, वैदिक सभ्यता का पोर्शन नंबर 1 जिसमें मैंने आपको बताया था वैदिक सभ्यता कितने भागों में डिवाइड है, वैदिक सभ्यता क्या है। आप चाहो तो अपने YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर आप सीरियल वाइज सारे वीडियो देख सकते हो। आओ दोस्तों मैं आपको ऋग्वेद बताऊं, उससे पहले कुछ थोड़े बहुत डाटा बता देता हूं जो अपने एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अपन जो वेद 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 करते रहते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेद, इस वेद का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों वेद कोई किताब का नाम नहीं है, वेद का वास्तविक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का जो वास्तविक अर्थ होता है वो है ज्ञान, यानी जिस भी बुक में ज्ञान भरी बातें लिखी रहती हैं उसे कहा जाता है वेद। अब नेक्स्ट अपने यहां पर 4 ऐसी किताबें हैं जो हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है। मान्यता यह है कि संसार का जितना भी ज्ञान है, संसार के जितने भी नॉलेज है, इन 4 किताबों में स्थायी रूप से है। अगर ये 4 किताबें कोई किसी को आ जाती है, पढ़ लेता है, तो संसार का पूर्ण ज्ञान उसमें आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है वेद वेद का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए वेद का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट कई बार आपसे पूछा जाता है वेद को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना संहिता। कई बार क्वेश्चन आता है संहिता किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये वेद का पर्यायवाची है, वेद को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि संहिता यानी वेद कितने प्रकार के माने गए हैं, तो 4 प्रकार के, यानी इसका मतलब यह है कि 4 बुक्स ऐसी फेमस बुक है जिनको वेद की उपाधि दी गई है, 4 किताबों को ही वेद माना गया है। इनमें अगर वेद की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, ऋग्वेद। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, यजुर्वेद। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, सामवेद। नेक्स्ट चौथे नंबर पर कौन सा आता है, अथर्व वेद। इस प्रकार से 4 वेद माने गए हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि वेद कितने हैं, 4, निम्न में से कौन सा वेद है और कौन सा नहीं है। तो प्रॉपर आपको पता होना चाहिए अपने 4 वेद होते हैं जिनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। नेक्स्ट अब देखो दोस्तों यहीं से मैं आपको क्वेश्चन पुट अप करके दिखाता हूं, इसमें जो ये पहला वेद है इसको ही वैदिक काल में माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता में कितने वेदों को माना जाता है, ओनली फॉर ए 1 एक ही वेद को माना जाता है जिसका नाम है ऋग्वेद, जबकि ये 3 वेद हैं इन्हें उत्तर वैदिक सभ्यता में माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है उत्तर वैदिक सभ्यता में कितने वेद माने जाते हैं, 3, जिनका नाम है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता में कितने वेद माने जाते हैं, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता में कितने वेद माने जाते हैं। दोस्तों कई बार एक क्वेश्चन आता है वेद त्रयी, वेद
त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी यानी तीन वेद किसे कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, देन सामवेद, इन तीन को ही वेद त्रयी माना जाता है, अथर्ववेद को वेद त्रयी नहीं माना जाता। मान्यता यह है कि जिनके द्वारा ये वेद लिखे गए थे उनका नाम है वेद व्यास जी, नहीं उनका नाम है वेद व्यास जी। मान्यता है कि वेद व्यास जी के द्वारा ये तीन ही वेद लिखे गए थे, चौथा वेद नहीं लिखा गया। इस कारण पर्टिकुलर जो वेद की मान्यता प्राप्त है ये केवल तीन वेदों को मान्यता प्राप्त है। वैसे हाँ मान्यता है चार वेद हैं, लेकिन कभी भी आप अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वेद त्रयी में कौन सा नहीं गिना जाता, दोस्तों प्रॉपर ध्यान रखना, अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि वेदों के रचयिता जिनके द्वारा ये वेद लिखे गए हैं, राइटर है, उनका नाम है वेदव्यास, और मान्यता है वेदव्यास जी के द्वारा अथर्ववेद नहीं लिखा गया, इस कारण उनको वेद त्रयी में नहीं गिना जाता। दोस्तों ऋग्वेद तो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले भी ये शॉर्टली नॉलेज है जो आपको प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों कितनी ही शॉर्टली नॉलेज क्यों ना हो अपने एग्जाम में बार बार पुटअप होती रहती है, इस कारण प्रॉपर आपको पता होना चाहिए वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद को और किस नाम से जानते हैं? संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद कितने प्रकार के होते हैं? चार। नेक्स्ट, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, देन अथर्ववेद। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता में कितने वेद माने जाते हैं? ओनली फॉर ए वन, ऋग्वेद। जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता में कितने माने जाते हैं? तीन, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट, वेदों के रचयिता राइटर का नाम क्या है? वेदव्यास। नेक्स्ट, वेद त्रयी में कितने वेदों को माना जाता है? तो तीन, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपका ऋग्वेद, इन्हें वेद त्रयी में माना जाता है। नेक्स्ट, वेद त्रयी में किसे नहीं माना जाता दोस्तों? अथर्ववेद को नहीं माना जाता। अच्छा क्यों नहीं माना जाता? तो जिनके द्वारा ये वेद लिखे गए उनका नाम है वेद व्यास जी, और मान्यता है कि वेद व्यास जी के द्वारा अथर्ववेद नहीं लिखा गया, इस कारण पर्टिकुलर इसे वेद त्रयी में नहीं गिना जाता है। तो दोस्तों एक बार ये संक्षिप्त नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। हाँ दोस्तों, लगे हाथ राइट डाउन करते हुए चलना, लिखते हुए चलना, जिससे आपको पता चलता हुआ चले कि कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वेद किसे कहते हैं, वेद का उपनाम क्या होता है, कितने प्रकार के वेद होते हैं, वैदिक सभ्यता में कौन सा वेद है, उत्तर वैदिक सभ्यता में कौन सा वेद है, वेदों का राइटर कौन है, वेद त्रयी में कितने वेद आते हैं, कौन से वेद को नहीं माना जाता और क्यों नहीं माना जाता, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अब आते हैं वीडियो नंबर दो में, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का वीडियो नंबर दो जिसका नाम है ऋग्वेद। अब देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद से कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो आओ दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं, उसका नाम है ऋग्वेद। आओ क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद किसे माना गया है? ऋग्वेद को। मान्यता है ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, उसके बाद में सारे वेद लिखे गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद किस में लिखा हुआ है? क्योंकि ऋग्वेद डायरेक्ट मंत्रों में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, कैसे पता चले कि कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है? तो दोस्तों ऋग्वेद बिल्कुल अपनी किताब की तरह लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊं तो आप सोशल साइंस, सामाजिक की किताब उठा लो, तो सामाजिक की किताब अगर आपने उठाई तो देखना उसमें पाठ है, पार्ट आई मीन चैप्टर, आप देखना उसमें चैप्टर डिवाइड है कि पहले चैप्टर का नाम है भारत का इतिहास, दूसरे का नाम है भारत में मुगल, तीसरे का नाम है कि मुगल और राजपूत, चौथे का नाम, इस तरह से पार्ट बने हुए हैं। तो इसमें भी इसी तरीके से पार्ट बने हुए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ये कितने पाठों में लिखा हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखना ये 10 पाठ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें पाठ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना मंडल। अब जिंदगी में कभी पूछा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, आई मीन 10 पाठ है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट इन 10 पाठों में क्या है? तो दोस्तों फिर याद करो सोशल साइंस में, जैसे अपन ने उठाया भारत में मुगल, फिर इसमें पॉइंट आते थे, जैसे भारत में मुगल बाबर, फिर आता था हुमायूं, फिर आता था अकबर, फिर आता था जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। तो ये क्या होता है? इसके अंदर पॉइंट आते हैं, क्लियर दोस्तों? तो इसके अंदर भी पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं सूक्त।
उन्हें क्या कहते हैं? सुक्त। जैसे कई बार आपने सुना होगा विष्णु सुक्त, वायु सुक्त, पुरुष सुक्त, तो ये क्या होता है? सुक्त होते हैं कि हाँ इसके अभी इस सुक्त में इसके बारे में बताया जाएगा, हाँ इस सुक्त में अभी इसके बारे में बताया जाएगा, हाँ इस सुक्त में इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे जहांगीर के में जहांगीर के बारे में बताया जाएगा, अकबर के बारे में अकबर में ही बताया जाएगा, हुमायूं है तो हुमायूं के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह पर्टिकुलर सुक्त बने हुए हैं कि हाँ अब किसके बारे में, अब किसके बारे में और अब किसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा इसके अंदर कितने सुक्त हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों इसके अंदर 1028 सुक्त हैं। कितने सुक्त हैं दोस्तों? 1028 सुक्त हैं। कितने हैं? 1028 सुक्त हैं। फिर सुक्तों के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? मंत्र। सुक्तों के अंदर क्या होते हैं? मंत्र। जैसे अपन नहीं बोलते कि हाँ भाई इसमें फिर बाबर आ गया, चलो सपोज दैट, तो बाबर के युद्ध, बाबर की लड़ाइयाँ, बाबर का निर्माण, बाबर का स्थापत्य, तो उसके फिर पॉइंट आते हैं और इनमें सुक्तों के पॉइंट आते हैं। कि जैसे अपन ने उठा लिया पुरुष सुक्त, तो फिर पुरुष कौन है, पुरुष ने क्या किया, पुरुष क्यों आया, पुरुष क्या है, सब चीज़ें आती है पॉइंट टू पॉइंट। वो चीज़ें मंत्रों में लिखी हुई हैं और इसके अंदर कितने मंत्र हैं? 10,580। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि ऋग्वेद में कितने मंत्र पाए जाते हैं? 10,580 मंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो होता है आपके पास ऋग्वेद का परिचय कि हाँ भाई चलो ऋग्वेद क्या है, 10 मंडल में लिखा हुआ है, 1028 इसमें सुक्त हैं, 10,580 इसमें मंत्र हैं। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, इन मंत्रों को और किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि डायरेक्ट क्या है ऋग्वेद में इन्हें मंत्र नहीं कहा गया, तो ऋग्वेद में ध्यान रखना दोस्तों मंत्रों को कहा जाता है ऋचा। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? ऋचा। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है? तो नेक्स्ट समझना नंबर 4। अब दोस्तों अगर इसमें मंत्र हैं तो गारंटेड कोई ना कोई पढ़ेगा, और पढ़ता कौन है? पंडित। नेक्स्ट, तो मंत्रों को पढ़ता कौन है? पुरोहित। नॉर्मली भाषा में अपन पंडित को पुरोहित कहते हैं, लेकिन इसमें पुरोहित को पुरोहित ना कहकर होत्री कहा गया है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा कि ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा गया? होत्री। इसका मीन्स आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में जो ऋचाओं को पढ़ने वाला पुरोहित होता है उसे क्या कहा जाता है? होत्री। तो आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए दोस्तों कि ऋग्वेद में मंत्रों को तो कहा जाता है ऋचा और उसको पढ़ने वाले को कहा जाता है होत्री। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5। इसके सबसे खास बात ध्यान रखना, इसके 10 मंडल है, इतना अपने को क्लियर पता चला। इसका जो पहला मंडल है नेक्स्ट, और इसका जो लास्ट 10वां मंडल है, ये सबसे अंत में जोड़े गए। इसका अर्थ समझे दोस्तों, यानी पहले यह है कि ऋग्वेद का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ये मंडल लिखे गए, पहला और दसवां सबसे बाद में लिखा गया। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि कौन से ऐसे मंडल हैं जो ऋग्वेद में सबसे बाद में लिखे गए, उन मंडलों का नाम है पहला और दसवां। दोस्तों अभी तक ये तो सामान्य परिचय था ऋग्वेद का कि हाँ भाई चलो मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, मंत्रों को ऋचा कहा जाता है, पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, पहला और दसवां सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। अब देखो लॉजिक मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो वेद हैं ये लिखे क्यों जाते थे, कि क्या परेशानी हो गई? चलो भाई बैठा है कोई बंदा तो उसने लिख क्यों दिया, मन में आ गई प्रवचन लिख दिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि वेदों में प्रवचन लिखे हैं, ना ना, वेदों में तत्कालीन समय की परिस्थितियां लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि वेदों में ब्रह्मा को कैसे पाया जाता है, विष्णु की कैसे तपस्या की जाती है, ना, इसमें उस समय क्या मान्यता थी, किस देवता को मानते थे, क्या करते थे, वो सारी चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ कि एक सरस्वती की वंदना प्राप्त होती है, इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो आपने एक वर्ड क्वेश्चन नंबर 6 एक वर्ड आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है अस्तो मा सदगमय। अस्तो मां सदगमय है दोस्तों, याद करो कोई जमाने में जब अपन एग्जाम देने जाते थे या स्कूल में जाते थे उस समय प्रार्थना होती थी, प्रार्थना में सुनाया जाता था अस्तो मां सदगमय है, हे सरस्वती माता हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर चलो। आपसे पूछा जाएगा कि यह शब्द कहां से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों ध्यान रखना दो ऐसे क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, एक तो क्वेश्चन सत्यमेव जयते, भारत का जो नेशनल वर्ड है ये कहां से लिया गया? मुंडकोप सद से। इसी तरह आपसे पूछो जाएगा अस्तो मा सदगमय, हे सरस्वती माता अंधेरे से उजाले की ओर लेकर चलो, ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट इस ऋग्वेद से पता चलता है कि उस समय एक जाति पाई जाती थी, उसका नाम था आर्य।
नंबर सात, उस समय एक जाति पाई जाती थी, उस जाति का नाम था आर्य। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि उस समय आर्य जाति पाई जाती थी, क्लियर। और नेक्स्ट, चलो आर्य जाति मिल भी जाती है तो इसका मतलब ये कैसे हुआ कि ये सबसे ज्यादा पाई जाती थी, किससे पता चलता है, इसी ऋग्वेद से पता चलता है, क्योंकि 36 बार पूरे ऋग्वेद में आर्य जाति का वर्णन किया गया है, तो इससे पता चलता है। इसी कारण तो कहता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं था कि मन में लिख दिया कुछ भी ना, उस समय क्या चल रहा था आने वाली पीढ़ी को पता रहे, उस समय कौन रहते थे आने वाली पीढ़ी को पता रहे, और उस समय क्या क्या पाया जाता था और आज क्या क्या पाया जाता आने वाली पीढ़ी को पता रहे। इस कारण हर समय में एक विद्वान उस चीज को लिखता हुआ चलता है कि आने वाली पीढ़ी को पता रहे कि अपने पूर्वज क्या थे और उस समय क्या पाया जाता था। इस कारण ये चीजें लिखी जाती थी। वेद ऐसा नहीं था कि मन में आई प्रवचन लिख दिए। तो उस समय आर्य जाति सबसे ज्यादा पाई जाती थी। ये कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती थी? आर्य। कैसे पता चलता? ऋग्वेद में 36 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, उस समय सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? उस समय की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था। अच्छा, अब बात आती है कि सरस्वती नदी को ही माना जाता था, ये कैसे मान लूं? गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इनको क्यों नहीं माना जाता था? क्योंकि दोस्तों सरस्वती नदी के ही एक जगह जो सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है, यहीं पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है नदीतमा। और नदी तमा का अगर संधि विच्छेद करो तो नदी उत्तमा, जो नदियों में सबसे उत्तम है, उसे सरस्वती नदी कहा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेदिक सभ्यता में या वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? सरस्वती नदी को माना जाता था। कैसे पता चलता है? सरस्वती नदी के लिए एक शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है जिसका नाम है नदी तमा। नदियों में सबसे उत्तम है जो नदी, नदी तमा। तो आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए कि किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है या किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है। नेक्स्ट, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि इस समय सबसे प्रसिद्ध भगवान या सबसे पवित्र भगवान किसे माना जाता था? तो यह माना जाता था इंद्र को। अच्छा, ये कैसे मान ले कि इंद्र को उस समय का सबसे फेमस गॉड, फेमस भगवान माना जाता था या सबसे पवित्र भगवान माना जाता था? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, इनको क्यों नहीं माना जाता था? क्योंकि दोस्तों ये भी ऋग्वेद कहता है, मैं नहीं कहता हूं ये कोई भी चीज, ये सारी चीज ऋग्वेद कहता है। क्योंकि 250 सूक्त में केवल इंद्र का वर्णन किया गया है। अब 250 सूक्त कितने होते हैं? चलो मैं आपको बताता हूं, ऋग्वेद कितने में लिखा हुआ है? 1028 सूक्त में, और उनमें 250 सूक्त में केवल इंद्र की प्रशंसा है कि इंद्र कैसा दिखाई देता है, कैसा बलवान है, क्या है क्या नहीं है। ओहो, तो पूरी एक चौथाई पोर्शन में इंद्र ही इंद्र है। इस कारण इंद्र को उस समय का सबसे फेमस भगवान माना गया है और इसे पुरंदर की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, आपसे कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये तो हिंदी के एग्जाम में आ जाता है, पुरंदर किसे कहा जाता है? बहुव्रीहि समास में माना जाता है इंद्र को। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ होता है पुर प्लस अंदर, यानी किलों को तोड़ देने वाला, जो दुर्ग होते हैं उनको तोड़ देने वाला। तो आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र को कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? दुर्गों को तोड़ देने वाला, किलों को तोड़ देने वाले को पुरंदर कहते हैं। दूसरा भगवान जो उस समय सबसे फेमस माना जाता था, उस भगवान का नाम क्या है? अग्नि देवता। अच्छा, अग्नि देवता के बारे में कैसे पता चलता है? तो 200 सूक्त में अग्नि देवता का वर्णन किया गया है। तो 200 सूक्तों में इनका वर्णन किया गया है, यानी इंद्र के बाद में जो दूसरा सबसे फेमस उस समय का भगवान था, गॉड था, उसका नाम था अग्नि। अब नेक्स्ट बात आती है कि 10 मंडल हैं, तो इन 10 मंडल में कौन कौन सी क्या खास बात है? तो दोस्तों एग्जाम में 10 के 10 मंडल कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ, तीसरा, सातवां, नौवां और दसवां, ये सबसे फेमस मंडल होते हैं जो आपको पूछे जाएंगे। और इसमें एक युद्ध था, दशराज्ञ युद्ध। इस दशराज्ञ युद्ध के कारण भारत का नाम भारत पड़ा। चलो ये चार जो मंडल है, चारों के चारों मंडल में आपको समझाता हूं और किस प्रकार से क्या कहा गया है ये चीज भी बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो दोस्तों, मैं क्वेश्चन पूछता हुआ चलता हूं, आप वहां बैठकर जवाब देते हुए चलो और देखना दें कितना बिल्कुल करेक्ट जाता है। हो सके बिना देखे देना और नहीं हो सके तो टीप लेना, किसको पता चला बाद में याद कर लेंगे। क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद किसे कहा गया है? ऋग्वेद को। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। कितने सूक्त? 1028। कितने मंत्र? 10,580। अच्छा, मंत्रों को क्या कहा जाता है? ऋचा। ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। नेक्स्ट, कौन कौन से ऐसे मंडल हैं जो सबसे लास्ट में लिखे गए हैं? पहला मंडल और दसवां मंडल सबसे लास्ट में लिखे
गए हैं। नेक्स्ट अस्तोमा सदगमय, ये वर्ड कहां से लिया गया है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद से लिया गया है। उस समय कौन सी जाति पाई जाती थी सर्वाधिक? आर्य जाति। कैसे पता चलता है? आर्य जाति का 36 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। उस समय की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। कैसे पता चलता है? तो सरस्वती नदी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, क्या? नदीतमा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा उस समय का सबसे फेमस भगवान किसे माना जाता है? इंद्र को। क्यों? क्योंकि 250 सूक्त में इंद्र की वर्णन किया गया है। अच्छा, इंद्र को और किस नाम से जाना गया है? पुरंदर। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? दुर्गों को तोड़ने वाला। दूसरा सबसे फेमस भगवान किसे माना गया है? अग्नि को। क्यों? क्योंकि इसका कितने सूक्तों में वर्णन हुआ है दोस्तों? 200 सूक्तों में वर्णन हुआ है। अब बताता हूं इसके 10 मंडल में सबसे फेमस 4 मंडल। अब आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता 2 पोर्शन में है, वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे, अपन पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता का पोर्शन नंबर 2 जिसका नाम है ऋग्वेद। वेद क्या है, कितने हैं, वेद त्रयी क्या है, कौन वैदिक में आता है, कौन उत्तर वैदिक में आता है, किसके द्वारा लिखे गए, ऋग्वेद क्या है और ऋग्वेद से अपने को क्या क्या प्राप्त होता है, यहां तक अपन ने देखा है। अब देखते हैं मंडल। तो अब दोस्तों अब देखते हैं अपन इसके मोस्टेड जो 4 मंडल थे, जिसमें सबसे पहला मंडल आता है नंबर 1, तीसरा मंडल। अच्छा, तीसरे मंडल की क्या खास बात है? तो दोस्तों तीसरे मंडल में सूर्य को सविता के नाम से जाना गया है और सविता के लिए एक मंत्र लिखा गया है जिसका नाम है गायत्री मंत्र। दोस्तों आपने गायत्री मंत्र कई बार सुना भी होगा, कई बार अपन ने बोला भी है, मंदिर में, प्रार्थना में, स्कूल में, सब जगह पर। और जो है ओम भूर्भुवस्व ततस्व वितुर्वरेण्यम। नेक्स्ट ये जो गायत्री मंत्र है कई बार यूपीएससी लेवल तक, आरएस लेवल तक, फर्स्ट ग्रेड लेवल तक भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया है, और ऑप्शन में आता है गायत्री, सरस्वती, सूर्य या सविता। तो सविता के लिए लिखा गया है। आप सूर्य भी नहीं कर सकते क्योंकि सूर्य को इसमें सविता के नाम से जाना गया है। तो से पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का वर्णन कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ये किसके लिए लिखा गया है? सूर्य के एक अंग माना गया है जिसको सविता कहा गया है, यानी सूर्य को ही सविता कहा गया है, और इस सविता के लिए गायत्री मंत्र लिखा गया है। तो प्रॉपर आपको पता रहना चाहिए गायत्री मंत्र कहां लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, किस नाम के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट सबसे मोस्टेड जो दूसरा मंडल माना जाता है उसका नाम है सातवां मंडल। सातवें मंडल में एक युद्ध का वर्णन किया गया है जिसका नाम है दशराज्ञ युद्ध। अच्छा, दशराज्ञ युद्ध क्या चीज है इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इस समय एक राजा हुआ करता था, इस राजा का नाम था सुदास। अब ध्यान से देखते हुए चलना। सुदास का एक पुरोहित था, और पुरोहित का नाम था विश्वा मित्र। दोस्तों मान्यता है ये विश्वामित्र राम के भी गुरु हैं। नेक्स्ट, जब सीता स्वयंवर में गए थे तो राम जी जिस गुरु के साथ गए थे उस गुरु का नाम ही विश्वामित्र है। क्लियर। तो नेक्स्ट, ये जो सुदास नामक राजा था इसने पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटा दिया। क्या किया दोस्तों? विश्वामित्र को हटा दिया और नया पुरोहित बनाया। किसको? वशिष्ठ मुनि को। अब दोस्तों ये वशिष्ठ मुनि कौन है? ये भी राम के गुरु हैं, जो विश्वामित्र के बाद में राम के गुरु बने थे, उन्हें अपना पुरोहित बना लिया। अब नेक्स्ट, ये जो विश्वामित्र थे ये भी एक प्रकांड पंडित हुआ करते थे उस समय। नेक्स्ट, इनको पुरोहित पद से हटाया गया, इससे क्या हुआ? विश्वामित्र नाराज हुए, और नाराज हुए तो 10 जनपद, जनपद का अर्थ होता है सत्ताएं यानी शासक, 10 राजाओं से हेल्प मांगने गए कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कोई जमाने में पुरोहित हुआ करता था, बिना कारण ही मेरे को हटा दिया गया, ये एक ब्राह्मण का अपमान है, ब्राह्मण के लिए बदला लो। और नेक्स्ट 10 जनपद को राजी किया, और जनपद को राजी करके और युद्ध के लिए तैयार किया सुदास के विरुद्ध, यानी वीएस। सुदास कौन था ये ध्यान रखना दोस्तों, भरत वंश का उस समय शासक हुआ करता था। भारत में एक वंश चला करता था भरत वंश, उसका शासक हुआ करता था। युद्ध कहां पर हुआ? तो दोस्तों कई बार पूछा जाता है युद्ध कहां पर हुआ था, तो आपको चलो युद्ध यहां पर बता देता हूं। जो युद्ध हुआ ये एक परूषणी नदी के तट पर हुआ।
अच्छा, अब ये परुषणी नदी वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये परुषणी वर्तमान में रावी नदी के तट पर के नाम यानी रावी नदी के नाम से जानी जाती है। और ये रावी नदी कहां पर बहती है? ये रावी नदी वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है। लेकिन आपसे वेरी मोस्टेड पूछा जाएगा कि दशरागी युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? परुषणी नदी के तट पर। वर्तमान में परुषणी नदी को किस नाम से जाना जाता है? रावी नदी के नाम से जाना जाता है। जीता कौन? सुदास इसमें जीत गया और 10 जनपद इसमें हार गई। नेक्स्ट, सुदास ने क्या हुआ दोस्तों, एक आप नोटिस करना, परुषणी नदी तक पर तो युद्ध हुआ था, उसके आगे तक ये 10 जनपद थी। चलो इसको थोड़ा सा मैपिंग में मैं बताता हूं। अगर भारत के ज्योग्राफिकल स्वरूप को मैं आपको दर्शाना चाहूं तो भारत एक पतंगाकार देश है। यहां पर आपकी परुषणी नदी यानी रावी नदी पाई जाती है, तो ये यहां पर तो युद्ध हुआ था, बाकी ये जनपद यहां तक की जनपद आई थी। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, यहां का तो सुदास शासक था ही ऑलरेडी। नेक्स्ट, लगे हाथ सुदास ने ये पोर्शन भी जीत लिया और इस पूरे पोर्शन का नाम ही सुदास ने अपने वंश भरत वंश के स्थान पर भारत कर दिया। इसी कारण दोस्तों देख लो, भारत में ही पाकिस्तान कोई जमाने में भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था, काबुल कंधार यहां तक भारत फैला हुआ था इस भरत वंश के कारण। तो आपका बार कई बार पूछा जाता है कि भारत का नाम भारत किसके आधार पर पड़ा है? भरत वंश के आधार पर पड़ा है। यह किसने रखा? राजा सुदास नामक व्यक्ति के द्वारा रखा गया। तो आपको पता होना चाहिए सातवें मंडल में दशरागी युद्ध है। यह दशरागी युद्ध किसके द्वारा किया गया? सुदास व 10 जनपद के बीच में किया गया। क्यों किया गया? विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया, तो विश्वामित्र मदद मांगने गया 10 जनपद से। किसे पुरोहित बनाया? वशिष्ठ को। किस नदी के तट पर हुआ? परुषणी नदी, रावी नदी के तट पर यह हुआ। कौन जीता? सुदास जीता। हारा कौन? 10 जनपद हारी। नेक्स्ट, सुदास जहां तक जीता उस स्थान का नाम इसने अपने वंश भरत वंश के स्थान पर भारत रखा और नए देश की स्थापना हुई जिसका नाम था भारत। नेक्स्ट, फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर जो सबसे मोस्टेड मंडल आता है उसका नाम है नवा मंडल। इस नवे मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया। अब सोम किसे कहते हैं? तो दोस्तों सोम का अर्थ होता है सुधा। उस समय सोम वर्तमान में मदिरा, सीधी सी बात है, वाइन शराब दारू, उसे उस जमाने में सोम कहा जाता था। सोम भी एक देवता को ही कहा जाता था कि सोम देवता जो मादक के देवता हैं, नशा उत्पन्न करते शरीर में, ऐसे देवता हैं। तो नेक्स्ट, इनकी प्रशंसा की गई है ये नवे मंडल में की गई है। नेक्स्ट, अब आता है दोस्तों सबसे मोस्टेड चौथा नंबर, दसवां मंडल। इस दसवें मंडल में चार वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, वेरी मोस्टेड। जो आज आप चार वर्ण व्यवस्था सुनते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये कहां से ली गई है? ऋग्वेद के दसवें मंडल से ली गई है। एक ऋग्वेद में एक सूक्त आता है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। नेक्स्ट, इसमें एक सूक्त आता है। सूक्त क्या होता है दोस्तों? मैंने कहा था पाठ के नाम याद करो, 1028 सूक्त है, उसमें एक सूक्त आता है पुरुष सूक्त। और मान्यता यह है कि पुरुष नामक एक व्यक्ति होता है, और यह और मान्यता है यह पुरुष विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। यह पुरुष विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। यह जो पुरुष हुआ अपनी तरह, इसके शरीर से अलग अलग पोर्शन से अलग अलग वर्ण व्यवस्था उत्पन्न हुई, यानी वर्ण उत्पन्न होकर आए। अब देखो, जो मुख से उत्पन्न बताते हैं उन्हें कहते हैं ब्राह्मण। नेक्स्ट, जो भुजा से उत्पन्न बताते हैं उन्हें कहते हैं क्षत्रिय। जो जंघा से उत्पन्न बताते हैं उन्हें कहते हैं वैश्य। और जो पैर से उत्पन्न बताते हैं उन्हें कहते हैं शूद्र। नेक्स्ट, ये मान्यता है कि जो दसवां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि पुरुष नामक एक व्यक्ति का अवतार हुआ, यह पुरुष विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके विभिन्न शरीर के पोर्शन से अलग अलग वर्ण आए। मुख से आया ब्राह्मण, तो इसको मुख का ही काम दिया गया कि हाँ भाई तू पुरोहित काम करेगा, मंत्र मंत्र बोल, ऐस कर। दूसरा, फिर बाजू, बाजू से हुए क्षत्रिय, तो इनको बाजुओं का काम दिया, कहते तुमको बाजू से पैदा किया है, ताकत आई है, लड़ो जाओ युद्ध करो, तो उनको युद्धों का काम दिया गया। फिर आती थाई,
जंगा, जंगा से पैदा हुए वेश्य, तो वेश्यों को जंगा का ही काम दिया गया कि यहाँ जो जंगा आप बैठ बैठ कर काम करो, यानी आप व्यापार वाणिज्य का काम करो, तो वेश्यों को जो काम दिया गया वो वाणिज्य का। और पैर से जो पैदा हुए उन्हें कहा गया शूद्र, तो उन्हें कहा आप तुम पैर का ही काम करो, यानी बस नौकरी चाकरी और पैर दबाने का काम करो। इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था आज भी समाज में पाई जाती है वो इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से पाई जाती है। तो दोस्तों आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए कि सविता किस देवता को कहा गया, गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया, सातवें मंडल में जो दशराग्य युद्ध है ये किन किन के बीच हुआ, किस पुरोहित के कारण हुआ, नया पुरोहित कौन बना, 10 जनपद को किस राजा ने हराया, किस नदी के तट पर हुआ, और नेक्स्ट पूरे देश का नाम भारत किस वंश के आधार पर किस राजा ने रखा, 9वें मंडल में किस देवता का वर्णन किया गया है, 10वें मंडल के आधार पर कौन से सूक्त ने बताया है कि 4 वर्ण व्यवस्था होती है, किस किस पोर्शन से पैदा हुई है। ये दोस्तों होता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में मैंने आपको बताया है वेद क्या होता है, ऋग्वेद के सामान्य क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं और मंडल से क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ऋग्वेद में चाहे कोई एग्जाम उठा लो, मैं ये कहता हूं यूपीएससी तक उठा लो, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है तो ऋग्वेद के इसी के अंदर से आएंगे, चाहे यूपीएससी हो या आरपीएससी हो, आरएस हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, प्रॉपर आपके सामने है। कंटिन्यू बस इसको माइंड में सेट करना है, समझना है। अगर आप इसको सेट करके समझते हो एक बार रिपीटेशन से आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में वीडियो नंबर 3 उत्तर वैदिक काल में चलेंगे, उस समय की अपन सिचुएशन समझेंगे और उसके बाद में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी बने रहना, पीछे वाले वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सारे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सकें, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे अपने दोस्त भी घर बैठकर तैयारी कर सके। थैंक यू एंड धन्यवाद।